रामगढ़ के विकास नगर में नेपाल यादव के कार्यालय पर अपराधियों ने गोलियां चलाई है। इसमें वो बाल बाल बच गए। रेलवे साइडिंग में लिफ्टर नेपाल यादव से रंगदारी की मांग की गई थी, नहीं देने पर बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो देखिए एक बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां पर अपराधियों ने एक बार फिर गोलियां बरसाई एक शख्स पे। इससे पहले रामगढ़ में ही राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन ने की एक नेता की हत्या की गई थी, और अब इसी रामगढ़ में नेपाल यादव पर गोलीबारी हुई है। और हमारे सहयोगी महावीर इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। महावीर, आखिर ये रामगढ़ में हो क्या रहा है? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? अभी रमेश विश्वकर्मा को मारा गया था, उनकी गोली मार के हत्या की गई थी, गला लेता गया था, अब एक बार फिर से एक नेता पर इसी तरीके से हमला हुआ है। जी, ये कह सकते हैं कि रामगढ़ में अपराधी जो है वो पुलिस को दौड़ा रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पुलिस अपराधियों को दौड़ाती है, लेकिन रामगढ़ में इन दिनों जो हो रहा है, अपराधी जब मनाता है तब अपना अपराधी घटना को अंजाम देके चल जाते हैं और पुलिस उनके पीछे दौड़ती रह जाती है, लेकिन वो लोग पुलिस के हाथ नहीं लगते। आज जो घटना है उसके बारे में आपको बता दूं कि नेपाल यादव पर अपराधियों ने गोली चलाई है। दो बाइक पर सवार चार अपराधी उनके वहां पे पहुंचे थे और विकास नगर स्थित वो उनका कार्यालय है, वो अपनी गाड़ी से उतरकर कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे, तभी दो बाइक पर सवार चार अपराधी उन पर गोली बरसाने लगे। ये देख नेपाल यादव जो हिम्मत से काम लिया और उन लोगों से गिर गए। वो बार बार बच गए हैं, गोली उनके शरीर में रगड़ती हुई निकल गई है, लेकिन जब वो अपराधी से गिर गए तो अपराधी भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। जो बात सामने आ रही है कि नेपाल यादव जो है वो रेलवे साइडिंग का में लिफ्टिंग का काम देखते हैं, डायरेक्ट तरह से वो लिफ्टर है और कई कंपनियों का काम देखते हैं और रंगदारी मांगने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है और व्यापारियों में भी डर के साए में व्यापारी भी जी रहे हैं। कब कौन अपराधी आके गोली मार देगा, इनको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, ऐसा व्यवसायियों का कहना है। महावीर, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो अपराधी होते हैं वो ऐसे जगह का मतलब इंतजार करते हैं जहां पर खाली खाली मतलब सब कुछ हो और वो आसानी से घटना को अंजाम देकर फरार हो जाए, लेकिन अब एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कार्यालय में घुसकर वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं बिना बिना किसी डर के। शायद उन्हें सीसीटीवी का भी डर नहीं हो शायद। जी, आपने सही कहा। और जो अभी पिछला बार जो वारदात को अपराधी ने अंजाम दिया था, अभी रजरप्पा में अपराधी सारेआम घुसते हैं कार्यालय में, गला रखते हैं, चाकू से पूरे शरीर को घोंप देते हैं और आराम से फरार हो जाते हैं। और कुछ दिन पहले देवंशो नामक एक ठेकेदार की भी गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया था। उस समय भी अपराधी ने उसी जगह का चयन किया था और उसी जगह के आसपास विकास नगर है, वहां भी कार्यालय में घुसकर मारने का प्रयास किया। और आपको बता दूं कि ये जो इलाका है वह भीड़ भाड़ वाला इलाका जरूर है, लेकिन वहां पर एकांत जगह ज्यादा रहता है और जो लोग हैं वो ज्यादातर अपने घरों में ही रहते हैं, वहाँ ज्यादा चहल पहल नहीं होती है, इसीलिए ऐसे स्थानों का वो चयन कर रहे हैं और रामगढ़ को निशाना बना रहे हैं। आखिर जो भीमवार वाले जो अपराधी हैं वो पहले रामगढ़ से हट के अपराधी घटना को अंजाम देते थे, लेकिन अब पुलिस को चुनौती देते हुए रामगढ़ शहर में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भावी हमारे साथ जुड़े। वाकई में ये पुलिस के लिए चुनौती है, पुलिस को लगभग चुनौती दी जा रही है कि देखिए हम शहर में बीच बाजार में सरेआम दिन दहाड़े वो तमाम काम करेंगे जो कहीं ना कहीं शहर में दहशतगर्दी मचाएगा, और वो कर भी रहे हैं सबको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।